ये कैसा मूव है सैमी जेन का, सैमी जेन ऑन फायर, खतरनाक मूव सैमी जेन का, क्या बात है भाई, खूबसूरत मूव टोर्नाडो डीडीटी सैमी जेन का, और ब्रॉन ब्रेकर ने उठा लिया सैमी जेन को और उठा के खतरनाक फिनिशर मारा भाई ब्रॉन ब्रेकर ने। तो ब्रॉन ब्रेकर को आ चुका है गुस्सा, लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर अपना फिनिशर मारने जा रहे हैं, सैमी जेन मुसीबत मार जाएंगे, और ब्रॉन ब्रेकर ने उठा लिया सैमी जेन को और उठा के ब्रॉन ब्रेकर ने पटक के मारा भाई खतरनाक तरीके से फिनिशर और सैमी जेन ढेर। हे गाइस, कैसे हो, बैक टू माय चैनल दी गेमिंग एंड होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है गाइस आप सभी का समर स्लैम के वाइल्ड प्रेडिक्शन गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस आज सैमी जेन फेस करने वाले हैं ब्रॉन ब्रेकर के साथ गाइस, और इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा। तो गाइस देखते हैं कि समर स्लैम में गाइस जो आने वाला है उस पेपर में गाइस कौन जीतने वाला है, क्या सैमी जेन जीतेंगे या फिर गाइस ब्रॉन ब्रेकर सैमी जेन को हरा करके न्यू चैंपियन बनेंगे। तो गाइस ये मैच होने वाला है वाइल्ड प्रेडिक्शन मैच, तो चलिए गाइस बिना किसी देर के आज के इस गेम प्ले वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फाइनली गाइस मैच हो चुका है शुरू, सैमी जेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, और आते ही ब्रॉन ब्रेकर ने क्लोज लाइन मार करके ढेर कर दिया सैमी जेन को। तो ये मैच भी गाइस काफी एक्साइटिंग जाने वाला है, क्योंकि इस मैच में सैमी जेन का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन द लाइन है इस मैच में। तो देखते हैं गाइस कि आज के वाइल्ड प्रेडिक्शन गेम प्ले मैच में कौन सा गाइस सुपरस्टार जीतने वाला है, क्या ब्रॉन ब्रेकर गाइस समर स्लैम में सैमी जेन को हरा देंगे या फिर गाइस समर स्लैम में सैमी जेन एक बार फिर से अपना टाइटल करेंगे रिटेन। मैच भी काफी शानदार जाने वाला है, और ब्रॉन ब्रेकर को वैसे ऑलमोस्ट स्टन कर दिया है सैमी जेन ने, लेकिन अब हो जाएंगे सर बिल्कुल, अब पूरी तरह से ब्रॉन ब्रेकर स्टन कर देंगे सैमी जेन ने, और इस चीज का फायदा सैमी जेन को मिलेगा क्योंकि वो मूव रिवर्स नहीं कर पाएंगे। और सैमी जेन मून शॉट लगाने जा रहे थे लेकिन स्टन उनका मीटर हट चुका था ब्रॉन ब्रेकर का, जिसके कारण उन्होंने मूव कर दिया रिवर्स, वरना ये थोड़ी देर पहले मूव मारते थोड़ा जल्दी करते तो मून शॉट जो है वो कनेक्ट हो जाता। और सैमी जेन क्या करने वाले हैं, ये कैसा मूव है सैमी जेन का, सैमी जेन ऑन फायर, खतरनाक मूव सैमी जेन का, क्या बात है भाई, खूबसूरत मूव टोर्नाडो डीडीटी सैमी जेन का, और सैमी जेन ने उठा लिया कैंडलस्टिक मार मार के ब्रॉन ब्रेकर को डैमेज करेंगे। खतरनाक एक्सट्रीम गाइस मैच जाने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन द लाइन। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल कर लो सब्सक्राइब गाइस, प्रेस कर लो बेल आइकन गाइस, हमारे 800 सब्सक्राइबर गाइस होने वाले हैं, 760 के आसपास गाइस हमारे सब्सक्राइबर चल रहे हैं। तो गाइस हमको गाइस अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर गाइस कंप्लीट करने, तो गाइस प्लीज आप भी अब रुको मत, गाइस जो भी चैनल पर पहली बार आ रहे हो घर भर के सपोर्ट करो चैनल को, और गाइस मैं आपके लिए ही डेली दो गेम प्ले वीडियोस गाइस लेके आ रहा हूं। तो गाइस अगर आप भी चैनल पर पहली बार आते हो चैनल कर लो सब्सक्राइब, प्रेस कर लो बेल आइकन, ताकि आपके सपोर्ट के कारण हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाए। और इधर से सैमी जेन को लगता है कि पावर बॉम्ब लेने जा रहे, नहीं, खतरनाक मूव सैमी जेन को, और सैमी जेन ढेर मोमेंटम अपनी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर इस मैच का, और सैमी जेन को कर दिया ढेर ब्रॉन ब्रेकर के पास। वैसे भी फिनिशर आ चुका है तो कभी भी ब्रॉन ब्रेकर अपना फिनिशर मार सकते हैं, लेकिन नाइस रिवर्सल बाय सैमी जेन, खतरनाक पंचेस पड़ेंगे ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, खतरनाक पंचेस सैमी जेन के, ब्रॉन ब्रेकर हो रहे डैमेज, और हैंड्स के ऊपर टारगेट किया जा रहा है ब्रॉन ब्रेकर के, और मैच का मोमेंटम सैमी जेन ना अपनी तरफ रख रहे ताकि ब्रॉन ब्रेकर इनको काउंटर ना कर पाए, क्योंकि इस मैच में टाइटल सैमी जेन का, और रिवर्स कर दिया मूव, लगता है कि सिग्नेचर सैमी जेन का, और ब्रॉन ब्रेकर ने उठा लिया सैमी जेन को और उठा के खतरनाक फिनिशर मारा भी ब्रॉन ब्रेकर ने। तो और रोप ब्रेक के कारण सैमी जेन बच गए, वरना ब्रॉन ब्रेकर को एक पॉइंट मिल जाता इस मैच से, और उस चीज़ का फायदा ब्रॉन ब्रेकर को मिला नहीं क्योंकि इस मैच में रोप ब्रेक ऑन है, तो रोप ब्रेक का फायदा जो है सैमी जेन को मिल गया। और गाइस जैसे कि आप WWE में एवरी मंथ न्यू पेपर व्यूज देखते हो ना गाइस, एंजॉय करते हो, तो गाइस यहाँ पर भी गाइस हमारे चैनल पर एवरी मंथ गाइस नए पेपर व्यूज आते हैं, जिसमें गाइस हमारे खुद के ही सब्सक्राइबर गाइस इस चैनल के वो अलग अलग मैच में गाइस कम्पीट करते हैं, टाइटल वगैरह जीतते हैं। तो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग सा यूनिक गेमिंग एक्सपीरियंस गाइस आपको इस चैनल पर गाइस एंजॉय करने को मिलेगा। अभी गाइस हमारे कल ही पेपर व्यू लग के हटा है विन और नथिंग पेपर व्यू, जो कि गाइस एकदम हिट पेपर व्यू था, जिसमें हमारे सब्सक्राइबर ने गाइस आपस में कम्पीट किया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस थे, इट वॉज एन ऑसम पेपर व्यू गाइस। अगर आप भी ऐसी यूनिक चीज़ों को गाइस एंजॉय करना चाहते हो तो गाइस चैनल कर लो सब्सक्राइब, प्रेस करो बेल आइकन, क्योंकि गाइस आपको वो चीज़ें किसी और चैनल पर गाइस एंजॉय करने को नहीं मिलेगी। सो वन एंड ओनली द गेमिंग अप पर गाइस आपको वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। तो गाइस चैनल कर लो सब्सक्राइब और प्रेस कर लो गाइस बेल आइकन। और हलवा किक मार दिया है सैमी जेन ने, और ब्रॉन ब्रेकर कर दिए ढेर, क्या ये उनको एक पॉइंट मिल पाएगा सैमी जेन को, हलवा किक तो बड़ा खतरनाक लगा अभी, यस एक पॉइंट मिल चुका है सैमी जेन को, और हलवा किक जो कनेक्ट हो चुका है ब्रॉन ब्रेकर, एक बार पिन कर दिए सैमी जेन ने, और एक बार बस उसको और पिन करना पड़ेगा सैमी जेन को इस मैच में अपना टाइटल पूरी तरह से डिफेंड करने के लिए। अब ब्रॉन ब्रेकर का तो हो चुका है एक बार पिन, लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर काउंटर करेंगे फिर से वही सेम मूव से, खतरनाक मूव
सैमी जेन के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर का, और ब्रॉन के पास भी फिनिशर आने वाला है और ब्रॉन ब्रेकर उस हार्ड से फेंक रहे हैं सैमी जेन को। नाइस मूव बाय ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर के पास अब फिनिशर भी आ चुका है, तो लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर फिनिशर मारेंगे और फिनिशर भी कभी भी जो है वो कनेक्ट हो सकता है ब्रॉन ब्रेकर, क्योंकि उनके पास अब फिनिशर का एडवांटेज है और वैसे भी वो एक पॉइंट से पीछे चल रहे हैं। तो ब्रॉन ब्रेकर को ना फटाफट से सिग्नेचर या अपना जो फिनिशर है वो मार देना चाहिए, ताकि कम से कम एक एक पॉइंट दोनों ही सुपरस्टार जो है इस मैच में ले पाए। वरना तो अगर सैमी ज़ेन ने अपना हलवा किक मार देना दोबारा से या सिग्नेचर भी चाहे चिपका दिया, तो तब भी ब्रॉन ब्रेकर हार जाएंगे इस मैच से। खतरनाक स्टील चेयर से वार कर दिया ब्रॉन ब्रेकर सैमी ज़ेन के ऊपर, फिर से वार रिवर्स कर दिया और नाइस क्लोज लाइन ब्रॉन ब्रेकर का सैमी ज़ेन ढेर। ब्रॉन ब्रेकर को आ चुका गुस्सा, लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर अपना फिनिशर मारने जा रहे हैं, सैमी ज़ेन मुसीबत में आ जाएंगे और ब्रॉन ब्रेकर ने उठा लिया सैमी ज़ेन को और उठा के ब्रॉन ब्रेकर ने पटक के मारा भाई खतरनाक तरीके से फिनिशर। और सैमी ज़ेन ढेर, क्या सैमी के पास रेजिलियंस है? और यस, रेजिलियंस के कारण सैमी ज़ेन बच के गाइस, चैंपियन स्टिल सर्वाइव ब्रॉन ब्रेकर और बच के गाइस, क्योंकि रेजिलियंस था तो सैमी ज़ेन ने, सैमी ज़ेन को चीज़ का फायदा मिलेगा। और अब सिग्नेचर फिर से आने वाला है ब्रॉन ब्रेकर के पास, अगर वो कनेक्ट हो गया तो फिर एक पॉइंट ब्रॉन ब्रेकर को मिल जाएगा और सैमी ज़ेन का खतरनाक मूव काउंटर करने के लिए ब्रॉन ब्रेकर को। सैमी ज़ेन तुम्हारे पास भी फिनिशर आने वाला है, तो फटाफट से फिनिशर मार करके ना ब्रॉन ब्रेकर को काउंटर करो, वरना ब्रॉन ब्रेकर इस मैच का मोमेंटम अपनी तरफ कर रहा है। वैसे भी उसको गुस्सा आ चुका है, उसने अपनी बनियान भी उतार लिया ब्रॉन ब्रेकर ने। नाइस रिवर्सल बाय ब्रॉन ब्रेकर, सैमी ज़ेन को कर दिया ढेर और ब्रॉन ब्रेकर के पास ना सिग्नेचर है, तो वो अगर सिग्नेचर मार दिया ना तो एक एक पॉइंट धोनी सुपरस्टार्स के पास आ जाएगा। सैमी ज़ेन ने फिलहाल तो उड़ा के मार दिया ब्रॉन ब्रेकर को रिंग के बाहर और स्टील चेयर को पकड़ लिया हाथ में, ताकि ब्रॉन ब्रेकर को ना वो ज़रा ब्रेक कर पाए स्टील चेयर से। और लगता है कि स्टील चेयर कनेक्ट नहीं हो पाएगी, ब्रॉन ब्रेकर को पता चल चुका है और खतरनाक पंचेस रिंग के बाहर ही और रिंग के अंदर। चलो गाइस, वरना रिंग काउंट नहीं हो जाए, तीन काउंटर हो चुके हैं। और ब्रॉन ब्रेकर क्या उठाने जा रहा है, कैंडल से उठाएगा क्या? नहीं, स्टील चेयर। और नाइस मूव बाय सैमी ज़ेन और कर दिया बस्टर क्लोज ब्रॉन ब्रेकर का। तो गाइस, ब्रॉन ब्रेकर का बस्टर क्लोज हो चुका है, सैमी ज़ेन रिंग के अंदर भाग, सेवन हो चुके हैं रिंग के अंदर। चलो गाइस, रिंग के अंदर चलो। अरे ब्रॉन ब्रेकर क्या कर रहा है भाई, रिंग के अंदर चल ब्रॉन ब्रेकर। और ब्रॉन ब्रेकर फाइनली रिंग के अंदर आ चुके हैं और सैमी ज़ेन तैयार ही है, उसको लगता है कि फिनिशर मारने जा रहा है सैमी ज़ेन, शायद वो हलवा किक मारेगा। और सैमी ज़ेन नहीं, हलवा नहीं है, हलवा मार सकता था बट उसने कनेक्ट नहीं किया। सैमी ज़ेन ने अब कर दिया कनेक्ट, अब गया ब्रॉन ब्रेकर, कहीं रियो ब्रेक ना हो जाए, नहीं होगा शायद, वो ब्रेक पर ही है। और लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर का इस इंसेंट किक और ब्रॉन ब्रेकर का, अरे ये कैसे हो गया, मेरे को लगा कि मैच खत्म हो जाएगा भाई, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर तो वैसे भी रिजिलियंस के पास है नहीं है, फिर भी ब्रॉन ब्रेकर कैसे किक आउट कर गया, इंसेंट किक आउट गई। ब्रॉन ब्रेकर बड़ा जल्दी है, बस्टर ऊपर होने के बावजूद भी टिका हुआ, अभी तक रिजल्ट उसके पास है नहीं। और हलवा के खाने के बाद भी ब्रॉन ब्रेकर गाइस मैच में टिक गया, पिन उसने कर दिया ब्रेक्स। और सैमी ज़ेन का एक बार फिर से नेक्स्ट कनेक्ट हो चुका है, अब तो मेरे ख्याल से ब्रॉन ब्रेकर नहीं हिल पाएगा। टू और थ्री गाइस, इसके साथ गाइस वाइल्ड प्रेडिक्शन मैच में, तो गाइस सैमी ज़ेन ने इस मैच में, इस समर स्लैम पेपर व्यू में गाइस अपना टाइटल जो है वो डिफेंड कर लिया गाइस सक्सेसफुली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ने। और सैमी ज़ेन ही गाइस लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर से जीतने वाले हैं समर स्लैम में, जो कि अभी आएगा गाइस 4 अगस्त को, पेपर व्यू समर स्लैम WWE का, और उसमें भी गाइस लगता है कि सैमी ज़ेन ही अपना टाइटल कर लेंगे रिटेन। तो फाइनली गाइस, आज के इस गेम प्ले वीडियो में इतना ही, आई होप कि गाइस आपने इस मैच को एंजॉय किया होगा। और जाने से पहले गाइस चैनल को जरूर करना गाइस सब्सक्राइब, प्रेस करना गाइस बेल आइकन, ऐसे मजा यूनिक गेमिंग कंटेंट को गाइस एंजॉय करने के लिए। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग गेम प्ले वीडियोस को एंजॉय करने के लिए आप लेफ्ट और राइट में जाने वाले गेम प्ले वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो, या फिर गाइस अपने स्क्रीन के नीचे आने वाले गेम प्ले सीरीज का मजा उठा सकते हो। गाइस मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।